हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम फिरोज है। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सिफिक्जिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूँगा सिफिक्जिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट का और आज हम पूरे विस्तार में जानेंगे इस टैबलेट के बारे में। इसका यूज कौन कौन सी बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है, इसके ब्रांड कौन कौन से अवेलेबल हैं इंडिया में, कितने रुपये का आएगा, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, डोज क्या लेना है और ये सेफ़ है कि नहीं है, कहाँ पे मिलेगा, पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों जो सिफिक्जिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन है बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला ये टेबलेट है और इसका जो कंपोजिशन है सेम वही है सिफिक्जिम एंड ऑफ्लॉक्सासिन। इसके दो स्ट्रेंथ आते हैं, एक सिफिक्जिम 100 mg और ऑफ्लॉक्सासिन 100 mg जो कि बच्चों में यूज किया जाता है, और एक जो है सिफिक्जिम 200 mg और ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg जो कि बड़ों में यूज किया जाता है। इसके सिंपल दो स्ट्रेंथ आते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं ब्रांड कौन कौन से अवेलेबल हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, जिन लोगों को पढ़े लिखे लोग हैं या मेडिसिन फील्ड में हैं उनको पता होगा कि इसके ब्रांड के नेम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्रांड है जिफी ओ करके है, जो आप देख सकते हो जिफी ओ स्क्रीन पर लगाया गया है। उसके बाद महासेफ ओ, महासेफ प्लस हाइफेन प्लस, उसके बाद टैक्सिम ओएफ, ये कुछ फेमस ब्रांड हैं जो कि आपको इजीली आपके कोई भी स्टेट में इंडिया के हो तो आपको ये चारों पांचों ब्रांड में से एक दो ब्रांड मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें जो कंटेंट डाला गया है उसके बारे में। तो देखो जो इसमें सिफिक्जिम है वो भी एंटीबायोटिक है, ऑफ्लॉक्सासिन है वो भी एंटीबायोटिक है, तो बोल सकते हैं डबल एंटीबायोटिक है। तो ये जो डबल एंटीबायोटिक है इसका यूज कौन कौन सी बीमारी में हम करते हैं, तो जो इसका जो यूज है अब हम जान लेते हैं प्रॉपर यूज के बारे में। तो जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये जो पार्ट है यहाँ पे जो बीमारी होती है स्पेशली निमोनिया होती है और दूसरा ब्रोंकाइटिस होती है, जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्योंकि यहाँ पे सूजन हो जाता है। तो ये दोनों बीमारियों में यूज किया जाता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, पहला ये हो गया। उसके बाद ये औरत जो लोग होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे UTI, पेशाब में जलन होना। उसके बाद गोनोरिया नामक एक बीमारी है उनमें, जहाँ पे उनके जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे होता है। उसके अलावा क्लाइमाइडिया नामक एक बीमारी है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये भी लेडीज़ की ही बीमारी है, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक रेस्पिरेटरी का और जो दूसरा औरत लोग का जो जननांग है वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो जाते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके कान में बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे दिया जाता है, नाक में इन्फेक्शन हो गया है, यहाँ गले में इन्फेक्शन हो गया है और साइनस में इन्फेक्शन हो गया है, आपके जो बोन में बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो गया है या पूरी बॉडी में कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसको दूर करने के लिए टैबलेट का यूज किया जाता है। तो ये थे इसके यूज। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो जैसा इसका बहुत सारे यूज भी किए जाते हैं वैसे बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। सबसे ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट देखा गया है कि आपको नींद में डिफिकल्टी होगी, नींद नहीं आएगी, आपका जो सर है चक्कर जैसा आएगा और आपके पेट जो है दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, ओमेटिंग, उल्टी होना और सर चकराना, उसके बाद आपका जो पेट है बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेगा। तो ये सब साइड इफेक्ट देखे गए हैं। अगर ये टैबलेट खाने के बाद आपको कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और ये टैबलेट को बंद कर दें। आगे अगर डॉक्टर बोलता है कंटिन्यू के लिए तो करें, नहीं तो बंद कर दें। अब डोज की बात कर लेते हैं। तो देखो जो बच्चे हैं, जो बच्चू पेशेंट है, मतलब अगर बच्चा 12 साल से 18 साल के बीच का है या 8 साल से 18 साल के बीच का है तो उसको टैबलेट देते हैं, जो कि दिन में दो बार देते हैं सुबह शाम। और जो बड़े लोग हैं उनको भी सेम ही रहता है, सुबह शाम दिन में दो बार खाना खाने के बाद। दोस्तों अगर बात करें इसके ड्यूरेशन की बात, तो इसका जो ड्यूरेशन है 3 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, 7 दिन रहता है। बहुत ही ज़्यादा हो गया जो महिलाएं होती हैं उनके जो जननांगों में बीमारी होती है, जैसे गनोरिया, क्लामाइडिया, ये सब में क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक देना पड़ता है, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, क्योंकि वो इतने जल्दी ठीक नहीं होता है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो देखो अलग अलग ब्रांड का अलग प्राइस है, लेकिन हाँ आपको 150 रुपये से लेके आपको 200 रुपये के बीच में कोई भी जो 4-5 ब्रांड बताया मैं वो आप ले सकते हो, इजीली मिल भी जाएगा। और कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं जो आपको 100 रुपये तक में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों और सेफ्टी की बात करें तो देखिए जो प्रेग्नेंट महिला है उसमें सिफिक्जिम सेफ है बट ऑफ्लॉक्सासिन सेफ नहीं है। तो जो प्रेग्नेंट महिला है वो बिल्कुल अपने से ना लें, अगर डॉक्टर दे रहा है तभी लें तो बिल्कुल अपने से ना लें। जो ब्रेस्टफीडिंग मदर हैं उनको भी अपने से नहीं लेना है, क्योंकि सिफिक्जिम इसमें जो है वो सेफ है, जो दूसरा एंटीबायोटिक ऑफ्लॉक्सासिन वो आपको हानिकारक हो सकता है। उसके अलावा जो शराब पीते हैं,
शराब के साथ इसको नहीं लेना है। आप शराब बाद में पी लें या पहले पी लें, दवा को बाद में लें, शराब के साथ ना लें। इसको लेने के बाद आपको ज़्यादा ड्राइविंग ना करें, वो भी सेफ नहीं है, नींद भी आने का चांसेस थोड़ा बहुत है। और जिनको किडनी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी अपने से ना लें, डॉक्टर अगर दे रहा है तभी लें, अपने से ना लें। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी सिफाक्सिम प्लस ओफ्लोक्सासिन टैबलेट की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।